नमस्ते, फिर से स्वागत है। मैं कृष्णकांत सिन्हा, आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, ऐसे ही हमेशा दुआ में मुझे याद करके रखिएगा प्लीज। आज आप लोगों ने जो टाइटल देखा वो देख के आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि जो टाइटल है वो बहुत जबरदस्त है कि सारे बीमारियों का इलाज सिर्फ एक दवा पर है। अभी वो क्या दवा है, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, और इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूं आज वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हेल्थ के लिए, आपके डिजीजेस के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जितने सारे डिजीजेस हैं उन सबको अगर ठीक करना चाहते हैं, तो ये जो मैं आज जो दवा बताने वाला हूं उसको आपको लेना है। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे ये जो दवा जो मैं बोलने वाला हूं वो बहुत महंगा होगा, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये बिल्कुल ही महंगा नहीं है। अभी आप सोच रहे होंगे कितना पैसा चाहिए, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये जो दवा है इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है। जी हाँ, चौंके? हाँ, मैं भी चौंक गया था। बहुत ही जबरदस्त चीज है। सबसे पहले, कोई भी डिजीज जो है मन के ऊपर निर्भर करता है। मन अगर आपका उदास है तो आपको डिजीजेस अटैक करना शुरू कर देंगी। याद रखिएगा, अगर मन उदास है तो डिजीजेस, जितने सारे डिजीजेस हैं वो सब अटैक करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले चाहिए आपको इम्यूनिटी जो पावर है उसको बूस्ट करना, आपको इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है। तो सबसे पहला जो मैं बोलने वाला हूं वो है आपको आपका जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। दिन में आपको एक बार अपने हाथ को ऐसा करके ताली मारना है, 10 बार ताली मारिए। इससे क्या होगा, हमारे हाथ में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है वो सब एक्टिव हो जाते हैं। इससे आप लोगों के हेल्थ को एनर्जी, बहुत अच्छा एनर्जी मिलता है, नंबर वन। दूसरा सबसे बढ़िया चीज जिससे आपकी सारी बीमारियां चली जाएगी वो है आपका लाफ्टर थेरेपी। जी हाँ, लाफ्टर थेरेपी। हमेशा हंसते रहिए, हंसने से इम्यून सिस्टम बढ़ता है। हंसने से इम्यून सिस्टम बढ़ता है, आपकी जो रोग प्रतिशोधक जो क्षमता है वो बढ़ता है हंसने से। ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे लोग जो ज्यादा बीमार पड़ते हैं वो ज्यादातर टेंशन में रहते हैं, उदास रहते हैं। इसीलिए आजकल ऐसा जमाना है कि हम 100 साल का जिंदगी हम 30 साल में 20 साल में जीने की कोशिश करते हैं, इतना फास्ट काम करने की कोशिश करते हैं, इतने प्रेशर लेते हैं, इतना टेंशन लेते हैं। आप भी लेते होंगे, तो अगर आप चाहते हैं तो हर रोज आपको कम से कम 5 मिनट ही सही आपको हंसना है। चाहे वह आप कोई अच्छा जोक सुन लीजिए, इससे आपकी हंसी आई, या फिर आप कोई कोई YouTube में वीडियो देख लीजिए, इससे आपकी हंसी आएगी, कोई अच्छा कॉमेडी बना कोई सिनेमा देख लीजिए उससे भी आपका हंसी आएगी। नहीं, कुछ नहीं करना है तो खुद से हंसने की कोशिश कीजिए। एक मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था कि एक बंदा ट्रेन में खड़ा रहता है और वो एक वीडियो देख के यूं ही हंस रहा होता है। अभी वो बंदा यूं ही हंस रहा होता है और ट्रेन में जितने सारे लोग जो उस डब्बे में थे वो सब भी हंस रहे होते हैं बिना मतलब, एक कोई और हंस रहा है तो दूसरे भी हंस रहे हैं। तो ऐसा ही है कि आपको हंसना है, आप जब हंसेंगे तो दूसरे भी हंस देंगे, तो आपको कोई बहाने की जरूरत नहीं, यूं ही हंस दीजिए। इसमें क्या है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ज्यादा हंसो मत, तो थोड़ा बाहर निकल के हंसिए यार, छत पे जाके हंसिए, कहीं पर भी हंसिए। इसके ऊपर एक जोक सुनाता सुनाता हूं आप लोगों को, शायद मेरे जोक से आपको थोड़ी हंसी आएंगी। एक मम्मी अपने बेटे को डांट रही थी, वो स्कूल रिपोर्ट स्कूल से लाया और वो बोल रही थी कि बेटा पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दो, ये क्या मार्क लाए हो। फिर मम्मी उसको एक जनरल नॉलेज एक पूछ रही थी, बोलो तो ताजमहल किसने बनाया। तो उस बेटे को पता नहीं था, तो बोला मम्मी मुझे नहीं पता। तो फिर बोली, फिर डांट के फिर बोलने लगी कि तुम पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो। तो फिर बेटा थोड़ी देर बाद बेटे ने मम्मी से क्वेश्चन किया, मम्मी चिंकी आंटी कौन है। तो बोली मम्मी, बोली नहीं मुझे तो नहीं पता चिंकी आंटी कौन है, थोड़ा पापा पे भी ध्यान दो। बहुत अच्छा जोक है, ये सिर्फ जोक बोल रहा हूँ, सच में नहीं है। तो ये जोक मैंने सुना है गौर गोपाल दास जी से, जो अभी अगर आप पूछ रहे हैं कि गौर गोपाल दास कौन है, तो उनको, वो बहुत ही बड़े एक संत हैं, उनका बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे, वो भी कभी कभार देख लीजिए, बहुत अच्छा वो लेक्चर देते हैं इंग्लिश में, बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा भी लगता है, आपको फ्रेशनेस भी फील होगी। हर एक उनके वीडियो में आपको एक कॉमेडी आपको मिल जाएगी जो अच्छा लगता है, कहानी कहानी के साथ।
तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये कोई भी कर लो, आपको बस हंसना है, हर रोज लफ्टर थेरेपी का इस्तेमाल कीजिए, यूं ही हंस लीजिए, ऐसा करके हंस सकते हैं। ऐसा करने से एक दो बार पहले पहले यूं ही आप हंसी नहीं आ रहा फिर भी कर रहे हैं, लेकिन एक दो बार करेंगे तो उसके बाद हंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान रखिए दोस्तों। हो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपकी सारी बीमारियों का जो है इलाज मैंने आपको बता दिया होगा, आप बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दुआ में मुझे याद करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नमस्कार दोस्तों। अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं कि सभी लोग जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, मन के टेंशन से जो जूझ रहे हैं, वो सब इस वीडियो को देख पाए। थैंक यू सो मच, नमस्कार एंड फिर से बाय बाय।